दोस्तों कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे। आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबों को। एंजॉय कीजिए। आप कल जी इंटरटेनमेंट में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी अपने आपको। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड में 25 तारीख को, और कहीं देखेंगे तो वो एक बार 288 का लो बना दिया था और 439 की उसकी ओपन प्राइस 437 पे हुआ था। तो अब जाने के बाद ये प्रीवियस क्लोज 433 का था। कुछ मीडिया सेक्टर में ये कुछ अनाउंस ये आया, ह्यूमर आया उनको उनसे रिलेटेड, कि उन्होंने कुछ जो मोदी जी ने बंदी किया था उसमें 3,000 करोड़ से का कुछ ट्रांजेक्शन उन्होंने उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी वहाँ से उन्होंने पेमेंट किया है, और उस पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो काम करेगी उस पर। जबकि ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उस पर उन्होंने केस भी फाइल किया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र जी ने खुद एक अपोलाइज भी किया है, और उन्होंने सुभाष चंद्र अपोलाइज टू क्रिएटर्स इज नेगेटिव फोर्सेस है हैम्परिंग जी स्टेक से, और बताया है कि उसमें थोड़ा सा मानी गलती मानी है। एक बार ये है कि अगर शुरू से देखे थोड़ा फास्ट करके स्पीड में देखे तो देख ले, जी इंटरटेनमेंट बाइज मेनली इन द फॉलोइंग बिजनेस: ब्रॉडकास्टिंग और सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स, स्पेस सेलिंग एजेंट फॉर द अदर सैटेलाइट चैनल्स, सेल ऑफ मीडिया कंटेंट्स, प्रोग्राम, फिल्म राइट्स, फिट्स, म्यूजिक एंड राइट्स। डिविडेंड 0.091 का देता है, हाई इसका 619 का था, लो 288 का जो कल बनाया है इसने, 25th को बनाया। उसके बाद यह रिकवरी लेके 318 पे ये खड़ा था। इसके पास देखेंगे तो 1526 करोड़ का डेप दिखता है, और डेट पेमेंट ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज 118 है, तो कोई खराब नहीं है पेमेंट का। पर जो प्राइस टू कैश वैल्यू है ना, जो प्राइस है इनके पास, जो कैश आना चाहिए, कैश टू जो प्राइस वैल्यू ना, बहुत हाई है, 55 टाइम्स है, 55 टाइम्स। ये एक कंसर्न है, और एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसके कारण इनके पास क्या कैश नहीं था, और ये हाई होने के कारण क्या है इनका। अब किसी भी बिजनेस की अर्निंग का एक चीज होता है, फंडा होता है कैश होना, जनरेट होना। अब समझे प्राइस टू कैश फ्लो 55 टाइम्स था, तो मैं इससे भी मना नहीं कर सकता कि ये फर्दर गिरावट नहीं होगी, फर्दर गिरावट की पूरी चांसेस में। लेकिन एक अच्छा स्क्रिप्ट है ये, अब इसमें कोई हड़बड़ी में आपको किसी को बाय करने की जरूरत नहीं है। फॉलिंग नाइफ में कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ आपका कट सकता है। इसका एक मेन कंसर्न जो है, जो कल उन्होंने क्लैरिटी दी है, आप देखेंगे दिसंबर में उनके शेयर होल्डिंग परसेंट पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एफआई ने बाइंग की है। इसमें मेन जो मेन स्टेक होल्डर अभी एफआई के रूप में एफआई है, और प्रोमोटर जो है अपने 41 स्टेक को फर्दर सेल करने को तैयार है, इनको पैसे की जरूरत है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें पोजिशन बढ़ाया है, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो प्रमोटर्स प्लीज है ना, 59.37, ये प्रॉब्लम है इनके पास, कैश क्रंच की सिचुएशन है, इसके कारण ये प्लीज रखे हुए अपने शेयर को, और इसके कारण आपको प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपको कम दिख रहा है, 50 टाइम्स दिख रहा है। बट देखिए एफआई यहाँ पे 570 है, और प्रोमोटर्स जो हाईएस्ट हाईएस्ट होल्डिंग है ये क्रिस्टा मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं आपको एक बार इसके रिटर्न की बात कर दूं, तो सारे इसके रिटर्न देख लीजिए आप, चाहे वो आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ईयर, वाई ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, सब खत्म हो गए कल के फॉल के बाद। 5 साल का 14% का रिटर्न। अगर मैं एक बार रिकमेंडेशन की बात कर लूं, जो मैं अक्सर रिकमेंडेशन बताता हूँ, तो 16 जनवरी को ये ICICI डायरेक्ट ने इसका 500 का टारगेट दिया था, और उसी से LKP सेक्रेटरीज ने भी 495 का दिया था, और HDFC सेक्रेटरी ने इसका 512 का टारगेट दिया था। ये सब दिया था 16 जनवरी 2019 को, और 15 जनवरी 2019 को सरेखा ने 550 का टारगेट दिया था, 20 दिसंबर 2018 को IIFL ने 581 का टारगेट दिया था, आनंद राठी ने 12 दिसंबर को 530 का टारगेट दिया था। तो सभी लोगों ने 500+ का टारगेट दिया हुआ इसमें, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अभी जो सेंटीमेंटल फॉल है, तो 265 पे इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, 265 पे। और अगर आप, मैं इसके टोटल अपवर्ड ट्रेंड से अगर
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखो तो 267 आता है यहाँ पे, और ये 267 को ब्रेक नहीं करेगा ऐसा फील है। अगर करता है तो फिर अच्छा खासा नीचे जाने का दम रखता है। 267 को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ये जब तक 350 ऊपर नहीं जाता तो आपको बाई भी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि 335 पे इसका 50% का रिट्रेसमेंट है। इसके ऊपर और ले लें तो 350, तो 350 पे इसको बाई करना चाहिए और 267 का सपोर्ट रखना चाहिए। 267 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो 170 भी दिखा सकता है, ये आगे की बात है। अभी ये कंप्लीट निगेटिव है, और आप देखेंगे 26% से जब टूटता है तो, और वॉल्यूम भी देखेंगे तो एक 7 करोड़ की वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा टूटा है। सेंटीमेंट 68% है, डिलीवरी परसेंट मैं आपको बता दो 24 से 28% है। पी देखिए तो आप 20 के 21, इंडस्ट्री पी के इक्विवेलेंट चल रहा है, ये भी एक कंसर्न है, गेन ऊपर होने का कहां संभावना है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स है, डिविडेंड यील्ड 4.91 है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, और अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूं तो आप फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया था, और 377 करोड़ के प्रॉफिट को 650% का प्रॉफिट बढ़ा के दिया था, डेप्ट जीरो है। इतना अच्छा सॉलिड इन्होंने अभी रिजल्ट जो दिया था, इसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, किसी को बिलीव नहीं होगा। और सेल अर्निंग परसेंट 41.62 मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 500 टारगेट जो सभी लोगों ने दिया है वो तो अच्छा है, लेकिन अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। फुल सुभाष चंद्र आप जाके पढ़ भी सकते हैं, सुभाष चंद्र अप्लाइज टू द क्रिएटर्स से नेगेटिव फोर्सेस, यहाँ पे से चलते हैं। हियर इज द फुल टेक्स्ट ऑफ सुभाष चंद्र लेटर्स टू क्रिएटर्स, उन्होंने क्या लिखा है। डियर फ्रेंड्स, एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव लर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड फादर श्री जगन्नाथ गोयनका, विच टॉट मी दैट ए डायरेक्ट डायलॉग विद द क्रिएटर्स शुड बी मेंटेन। Should you find it difficult to repay any sort of loans, and this message is my the earnest effort in doing so. उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि जो भी फैक्ट हो डायरेक्ट आप क्रिएटर से बात करो तो बहुत अच्छा है, जो कि इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अपने क्रिएटर्स फाइनेंशियल से डायरेक्ट स्टेक होल्डर से सारे स्टेक होल्डर से डायरेक्ट बताया कि क्या प्रॉब्लम है, रेदर देन ये मीडिया हाउस या आलतू फालतू लोगों से पता चले। इसके कंपेरिजन में उन्होंने ये सीखा है कि डायरेक्ट जो फैक्ट है उसको हम मीडिया हाउस में सामने लाए। First and foremost, by this message, I would like to express my deepest apologies to our esteemed financial supporters. Applies manga hai. I have always been the first to accept my faults and we have consciously accountable for the decision taken. I will maintain the same today as well. इन्होंने कुछ decision लिए हैं, वो गलत हुए हैं. For the first time in my career 52, I am compelled to apologize to our bankers. उन्होंने bankers से, NBFC mutual fund से, सबसे applies manga hai. Since I believe that I have not lived up to their expectation despite my best intention. वो इसलिए मांगा है कि वो उनके एक्सपेक्टेशन तक नहीं रह पाए, जब जो भी उनका इंटेंशन पॉजिटिव ही रहा, कभी निगेटिव इनका इंटेंशन नहीं था, फिर भी ये जो स्टेक होल्डर है उसके एक्सपेक्टेशन को कभी भी नहीं टच कर पाए। आई एम एक्सट्रीमली सर्टेन दैट देयर इज नो प्रमोटर्स इन इंडिया इनकॉर्पोरेशन हुए। अब इनका ये कहना है कि मैं अपने स्टेक को सेल कर रहा हूँ, जी इंटरटेनमेंट के स्टेक को सेल कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा प्रमोटर जो जिससे सबसे ज़्यादा इनकम होगा उसको कोई सेल करेगा। To sell the jewel of his crown to pay off the liability. While the process is still ongoing, there are some forces which are not willing to see the us succeed. उनका ये कहना कुछ बाहरी तत्व हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। That said, I am not indicating that there are no mistakes done for my end. ये ऐसा बोल रहे कि ऐसा मत सोचो कि मैंने कोई गलती नहीं किया है। I am willing to face the consequences. मैं उसके लिए तैयार हूँ उस सब consequences face करने के लिए। I assure you that I am not running away from the core issue and will do my best to repay each and every person. मैं अपने कोर इश्यू से भागूंगा नहीं और मैं सबों का कर्ज भुगतान करूंगा। The best time for the same, however, is difficult to be mentioned at this stage. I would like to say state that through this message, the key point which have gone wrong. I would like also like to state through this message the key जो की पॉइंट से क्या रॉन्ग हुआ वो बताना चाहते हो। SL Infra. As most of the infra companies, even we have made some incorrect bids. SL Infra में कुछ गलत हुआ है। In usual cases, infra companies have raised their hands and have
left their lenders with the non-performing asset, but in our cases, my association is not working away from the situation has made me to bleed rupees 4,500. अब इन्होंने इन एस एल इंफ्रा में कोई प्रोजेक्ट लगाया है, मैक्सिमम कंपनी इसको इंसॉल्वेंसी में ले जाती, बैंक्रप्सी में ले जाती, लेकिन ये इससे नहीं भाग रहे जो कि 4,000-5,000 करोड़ का डेब्ट है, जबकि ये लॉस कर रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन तो कंटिन्यू है, डिस्पाइट द लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट वी कंटिन्यू टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल बाय बोरोइंग फंड्स अगेंस्ट आवर शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड कंपनी। तो बोरोइंग फंड कर रहे हैं और इसके चलते आपने जो देखा यहाँ पे जो स्टेक है इनका, जो आप देख रहे हैं ये गिरवी रख करके 59.37 ये पेड कर रहे हैं। When our family business separation was implemented at the eldest member of the family, I had taken the entire burden of the debts. I believe it was my mistake to have told myself that Subhas, you can unrepay it. ये घर के सबसे बड़े बेटे होने के कारण सारी घर की liabilities जितने भी कर्ज थे इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन्होंने बोला Subhas, you can earn and repay the debts. तुम कमाओगे और पे कर दोगे। Post which most of the my best on the new businesses have not worked. Post led to the increased debt due to the added interest level. बट ऐसा हुआ नहीं और इंटरेस्ट लेवल से उनकी डेब्ट बढ़ती गई और दिस सिचुएशन एट हैंड बिकम फर्दर आईएलएफएस कंडीशन, जो आईएलएफएस के बाद जो ये कंडीशन आया उसके बाद इनको और भी टफ पोजीशन, क्योंकि आईएलएफएस के बाद कोई भी ऐसे ही कोई एनबीएफसी लोन देने को तैयार नहीं है। फ्रॉम मई जून 2018 ऑनवर्ड्स नेगेटिव फोर्सेज विच एक्टिंग अगेंस्ट आवर ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स बिकेम इनका ऐसा मानना है कि मई जून 2018 के बाद कोई नेगेटिव फोर्सेज भी इनके अगेंस्ट में काम कर रही हैं जो बदनाम करने को कर रही हैं इनको। दिस वॉज फॉलोड बाई मी एनोनिमस लेटर बींग सेंड टू ऑल बैंकर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने लेटर भी सबको लिखा है। वेन वी हैव रिपोर्टेड सम रियली गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग कंपनीज दिस शेयर प्राइस वर इंटेंशनली हैमर्ड बाई दिस नेगेटिव फोर्सेज, जब भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो उसके शेयर को गिरा दिया जाता है। व्हाइल द अबव आर द रीजंस ऑफ द करंट सिचुएशन आई मस्ट मेंशन द व्हाट स्टेप्स आर टेकन फ्रॉम आवर एंड, क्या स्टेप इन्होंने लिया है इसके बाद। वी रोट ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स टू द डिपार्टमेंट पुलिस ऑमनेस्टी, इन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया। टिल दिसंबर वी कंटिन्यू टू पे इंटरेस्ट, एक अच्छी बात है, टिल दिसंबर इन्होंने दिसंबर तक सारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट किया। आई हैव ऑल्सो गिव माई बेस्ट एक्सपीरियंस टू टेक जिन एंटरटेनमेंट, इनफैक्ट आई हैव जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन लास्ट नाइट आफ्टर अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव मीटिंग विद अपॉर्चुनिटीज। अभी अच्छे खासे बिजनेस लंदन से रिटर्न बैक आया हूँ और इनका बिजनेस अच्छा खासा जो डील होना है आगे का डील अच्छा चल रहा है। The mentioned negative forces possibly after getting a hint of this positive meeting have attacked the sale price today with a clear intention of sabotaging the Gene Entertainment strategic sale process. अब जो जो Gene Entertainment के strategic sale process से जो पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ये एक intention है कि इसके price को ही गिरा दो तो ये पैसा कहाँ से dilute करके लाएंगे। I must also mention that there is no systematic process against the indigenous attack on us by the mentioned negative forces, but we will continuously seek the support from the for investigating the matter. About the All operating companies, especially our most precious one of which Gene Entertainment, are performing exceptionally well. Under no stress whatsoever, the debt burden is purely at the promoters level, which is reflected negative on the companies. Companies are performing exceptionally well, and there is no problem whatsoever. कोई भी problem नहीं है Gene Entertainment में. Having said the above, I still believe, strongly feel, I would like to ask lenders not to react with the unnecessary manner to maintain a patience. उन्होंने सबसे स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट किया कि कोई भी आप एडोटेक्निक बिलीव नहीं करो, उसे आप पेशेंस रखो, ही विल सक्सीड इन फ्यूचर टिल द प्रोसेस जीन इंटरमेंट स्टेक सेल इज कम्प्लीटेड पोस्ट द सेल प्रोसेस। जब तक जीन इंटरमेंट का स्टेक सेल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एटलीस्ट वेट करें। पोस्ट द सेल प्रोसेस वी विल पॉजिटिवली एबल टू रिपे द एंटायर ड्यूज, बट इफ द लेंडर्स रिएक्ट इन ए पैनिक सिचुएशन इट विल हर्ट देयर मैनर्स। बट जो लेंडर्स हैं अगर और भी प्रेशर में डालेंगे उनके ऊपर तो ये उनके लिए भी खराब और मेरे लिए भी खराब है, जी एंटरटेनमेंट के लिए खराब है। आई वुड अगेन लाइक टू रिट्रेट दैट आई हैव नो इंटेंशन व्हाट्स एवर टू कीप ए सिंगल रुपीस टिल ऑल द ड्यूज टू द लेंडर्स आर पेड। वो कोई एक रुपया भी किसी का रखने को तैयार नहीं है। योर सुभाष चंद्रा। इन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया सामने से, जो उन्होंने वो खुद बोला कि अपने फादर से सीखा है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो डायरेक्ट बात करो। तो उन्होंने बात किया है मीडिया के साथ, वो आपको जैसा इसको लेना आप सोच सकते ले सकते हैं, ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ आ सकते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट में आप चाहें फर्दर कोई पॉजिटिव व्यूज नहीं बना सकते हैं तो निगेटिव भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्टे कीजिए 265-267 के स्टॉप लॉस से और जो जहाँ बैठे हैं ये आगे जा करके जब स्ट्रेटजिक सेल होगा ऐसा दिखता है कि अच्छा खासा आपको 500 प्लस दिखेगा। फाइनेंशियल इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है और स्टेक होल्डर में जब F5 आ रहे हैं तो F5 पॉजिटिव है तो F5 इसको गिरने भी नहीं देंगे। तो मेरे अंदाज से एक पॉजिटिव बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है।
जीन टेटर में आपको खुद अपना पोजीशन बनाना है। आप खुद मैसेज पढ़िए इनका, जाके वापस पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। फुल टेक्स्ट ऑफ सुभाष चंद्र एम्प्लॉयज टू क्रिएटर्स से नेगेटिव फोर्सेस हैम्परिंग जी स्टेक, और आपको खुद अपना डिसीजन इसमें लेना पड़ेगा। इसमें किसी का कमेंट देना कि आपको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस बता सकता हूँ 267 जो कि अच्छा है वहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको तो ये टूटेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव फोर्सेस के कारण नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव फोर्सेस के कारण कंपेल करके इसको बेचा जा सकता है। ऐसे इनके मैसेज से लगता है कि कोई जान के इसके शेयर को बेचना चाह रहा है ताकि इसके शेयर को नीचे किल और लाया जाए। ये सब पे आप ध्यान रखिए, वॉच कीजिए, देखते रहिए फर्दर क्या आता है। और मुझे लगता है कि 267 एक बहुत ही लोअर लेवल होता है, होगा, इससे नीचे ही नहीं जाएगा। और अपवर्ड 350 प्लस चलने लगे तो अपवर्ड के बाद 500 भी जाने लगेगा। तो मैं तो 350 प्लस में बाइंग कर सकता हूँ, अगर करना होगा मेरे लिए 350 प्लस ही बाइंग लेवल होगा। और इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, अगर फोर्सेस करके जान के कोई इसको इंटेंसली सेल कर रहा है तो एक नेगेटिव चीज़ है बस, और वो कितना तक सेल करेगा इसको जज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये गेम गेम चल प्लेइंग है किसी एक मीडिया हाउस या फोर्स के बीच में, तो खुद आप जज कीजिए, खुद पढ़िए, खुद जज कीजिए। बट 267 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपके यहाँ पे आता है 267 आता है। तो 267 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फॉल नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीव है। बाकी आप खुद जज कीजिए, एडवाइस कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, मेरा कोई भी एडवाइस नहीं। आप सेल कीजिए या बाई कीजिए, कुछ मत कीजिए, बट पेपर ट्रेडिंग के लिए एजुकेशनल पर्पज से है कि देखिए क्या होता है मीडिया हाउस में भी, कैसा कैसा जब बिजनेस एक टाइकून दूसरे टाइकून से टकराते तो कैसा होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।